तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के सभी भाग देखेंगे। देखिए इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाला है। आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन बाद में समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया था, और जो भाग 7 था इसे समाप्त यानी कि इसे निरस्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार से संविधान में कुल भागों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 25 हो गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 हैं, और इन सभी को लगाकर टोटल भागों की संख्या कितनी है, तो 25 है। अब यहाँ पर बात करें भाग एक की, तो भारतीय संविधान का जो भाग एक है इसमें क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। यानी कि भाग एक में है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इसमें नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, उनके सीमा क्षेत्र के बारे में भाग एक में बताया गया है। इसके बाद भाग दो में है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आप सभी जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में किस प्रकार से किस व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है, किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, तो ये सभी नागरिकता संबंधित प्रावधान भाग दो में किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। इसके बाद है भाग तीन। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग तीन की बात करें, तो भाग तीन में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है, तो भाग तीन में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। अब देखिए मौलिक अधिकारों की बात करें, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। अब जो एक मौलिक अधिकार था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार बना दिया गया था, जिसे कि अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है, तो याद रखना है। इसके बाद है भाग चार। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग चार में। और देखिए ना भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है भाग चार का ए, यानी कि इसे हम चार का के भी कह सकते हैं। तो भाग चार के ए में क्या है, मूल कर्तव्य, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भाग चार के ए में हैं, और इन्हें अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। देखिए मौलिक कर्तव्यों की बात करें, तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए मूल कर्तव्य पहले मूल रूप से 10 थे, लेकिन वर्तमान में अब इनकी संख्या कितनी है, तो 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है 11 है। अब जो 11वां मूल कर्तव्य था, ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कौन सा है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, तो ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और देखिए बात करें भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसके बाद बात करें भाग पाँच की, तो देखिए भाग पाँच में संघ की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो देखिए भाग पाँच में संघ की बात हुई है, यानी कि इसमें केंद्र की बात की गई है, केंद्र सरकार की, कि किस प्रकार से केंद्र सरकार देश को चलाएगी, इसमें कौन कौन मुख्य पद होंगे। तो देखिए केंद्र की बात करें, तो इसमें एक कार्यपालिका होगी, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होंगे, और इसमें एक प्रधानमंत्री होगा, जिसकी एक मंत्रिपरिषद होगी, महान्यायवादी होगा, और एक संसद होगी, इसी के साथ कार्य संचालन होगा, विधायी प्रक्रिया होगी, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया होगी, संघ की न्यायपालिका होगी, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो इन सभी के बारे में भाग पाँच में प्रावधान किया गया है। इसके बाद है भाग छः। तो देखिए भाग छः में राज्य की बात हुई है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग छः में राज्य की बात करें, तो इसमें देखिए राज्य के विधानमंडल की बात की गई है, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, और हाईकोर्ट की बात हुई है, महाधिवक्ता, तो इन सभी के बारे में भाग छः में प्रावधान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक हैं। इसके बाद भाग सात। तो देखिए जो भाग सात है, इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1956 में निरस्त कर दिया गया था, जो कि अनुच्छेद 238 था इसमें, तो जो भाग सात है इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद है भाग आठ। तो देखिए भाग आठ में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं
तो उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान भाग 8 में किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक हैं। इसके बाद है भाग 9। तो देखिए भाग 9 महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत, यानी कि भाग 9 पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किया गया है। देखिए भाग 9 यानी कि पंचायत राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके बाद है भाग 9 का ए, यानी कि 9 का क, तो देखिए भाग 9 के ए में क्या है, नगर पालिकाएँ, यानी कि भाग 9 का ए नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसका संबंध अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड तक है। देखिए भाग 9 के ए को संविधान में 74वें संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया था। अब इसके बाद है भाग 9 का बी, यानी कि 9 का ख, तो देखिए भाग 9 का बी ये सहकारी समितियों से संबंधित है, जिसका संबंध भी अनुच्छेद 243 से है। देखिए भाग 9 के बी को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में जोड़ा गया था। तो भाग 9 का ख यानी कि 9 का बी किससे संबंधित है, यानी कि इसमें क्या है, सहकारी समितियाँ। इसके बाद आगे बात करें तो इसके बाद है भाग 10। तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो अनुच्छेद 244 से 244 ए तक हैं। तो देखिए भाग 10 में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के यानी कि एससी और एसटी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। इसके बाद है भाग 11। तो देखिए भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक हैं। तो भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, देखिए इसमें संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण किया गया है। इसके बाद आगे बात करें तो भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविधाएं और बाद, जिसका वर्णन अनुच्छेद 264 से 300 के ए तक किया गया है। यानी कि देखिए भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और जो संपत्ति संबंधी प्रावधान है तो वे सभी भाग 12 में किए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 300 के ए में क्या है, तो जो संपत्ति का अधिकार है तो वो कानूनी अधिकार है, तो ये सभी भाग 12 में है। इसके बाद है भाग 13। तो देखिए भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, तो ये सभी प्रावधान अनुच्छेद 301 से 307 तक भाग 13 में किए गए हैं। इसके बाद है भाग 14। तो देखिए भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो केंद्र में और राज्यों में अधिकारी अपनी सेवाएं देते हैं तो उनका प्रावधान भाग 14 में किया गया है, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं। इसके बाद है भाग 14 का ए, तो भाग 14 के ए में क्या है, अधिकरण, जो अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक है। अब इसके बाद है भाग 15। तो देखिए भाग 15 महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जाता है। तो भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान भाग 15 में किया गया है। जितने भी निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में, तो वे सभी भाग 15 में हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 के ए तक किया गया है। इसके बाद है भाग 16। तो देखिए भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, तो ये प्रावधान भाग 16 में किए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक हैं। इसके बाद आगे बात करें तो इसके बाद है भाग 17। तो देखिए भाग 17 में है राजभाषा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये भाग 17 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है और लिपि है देवनागरी। और इसी के साथ देखिए इसमें राज्य की राजभाषाओं का प्रावधान भी किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अधिनियमों विधेयकों और आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, तो इसका प्रावधान भी भाग 17 में किया गया है। इसके बाद है भाग 18। तो देखिए भाग 18 भी महत्वपूर्ण है। भाग 18 में है आपात उपबंध, यानी कि भारत में जो तीन प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं तो उनका प्रावधान भाग 18 में किया गया है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। तो देखिए भारत में तीन प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में लगाया जाता है, राज्य आपातकाल होता है तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसके बाद तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक कभी भी नहीं लगाया, ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। इसके बाद है भाग 19। तो देखिए भाग 19 ये प्रकीर्ण से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 361 से 367 तक किया गया है। इसके बाद है भाग 20।
तो देखिए भाग 20 महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन किए जाते हैं तो ये किस भाग के तहत किया जाता है, तो ये भाग 20 के तहत किया जाता है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, तो याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें तो अगला है भाग 21। तो देखिए भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिनका वर्णन अनुच्छेद 369 से 392 तक किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, तो देखिए भाग 21 कुछ अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 370 में। तो इस प्रकार के जो अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान है उनका वर्णन भाग 21 में किया गया है। इसके बाद है और लास्ट है भाग 22। तो देखिए भाग 22 की बात करें तो इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जिनका वर्णन अनुच्छेद 392 से 395 तक किया गया है। अब देखिए भाग 22 में क्या है, मैं आपको बता दूँ, तो देखिए इसमें सबसे पहले है संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, भारतीय संविधान। और इसी प्रकार से आगे है संविधान जो भारतीय संविधान है ये कब लागू होगा, तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और जो भारतीय संविधान था ये शुरुआत में इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, 1987 में इसे हिंदी भाषा में रूपांतरित किया गया था। इसी के साथ देखिए संविधान लागू होते ही जो संविधान लागू होने से पहले के जो सभी अधिनियम थे वे सभी निरस्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, प्रावधान है, वे भाग 22 में